वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो का विषय है कि जे कोई भी मनुख अपने गुरु नानक पातशाह दे दर ते पातशाह दे लई एक भेटा लैके जाए ना तो सच करके जाणियो जे रोंदा होया भी जाएगा ना तो हसदा होया वापस आएगा। क्योंकि जो कोई भी ये भेटा लैके जाता है ना सतगुरु सच्चे पातशाह अपने उस प्यारे ते इन्ने खुश होंदे आ इन्ने मेहरबान होंदे आ कि अपने प्यारे दे बिना बोलिया बिना मंगिया ही सब दत्ता उहदी झोली दे विच पा दिंदे ने। तो फिर वह किहड़ी भेटा है किंज आपां लैके जा सकते हैं ये सारी गलबात अज की वीडियो विच करांगे। इसलिए वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना। जे वीडियो तुहानूं चंगी लगी तो फिर इस नूं लाइक अते शेयर कर देना, नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार जां फिर वाहिगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी साडे विचों बहुते भैण भरा जो रोज़ सवेरे अमृत वेले उठ के गुरु नानक पातशाह दे चरणां दे विच हाजरी लगवाउंदे ने, भाव कि जो अमृत वेले दीआं पंज बाणियां दा पाठ करदे ने, उह सवेरे उठ के आनंद साहिब जी दी बाणी दा पूरा पाठ करदे ने, शाम नूं वी रहिरा साहिब जी दा जदों आपां पाठ करदे आं तां छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दी बाणी दीआं पढ़ियां जांदियां ने। तां आनंद साहिब जी दी बाणी दे विच आपां रोज़ रोज़ ये दो पंक्तियां पढ़दे आं ना कि साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, घर तां तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे। भाव कि सतगुरु सच्चे पातशाह दे घर दे विच किसे भी चीज की कमी नहीं आ, पर सतगुरु सच्चे पातशाह दिंदे किस नूं आ ये जानण दे लई गुरु इतिहास की एक साखी आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हैं। सब तो पहला ये साखी नूं बड़े ही प्यार दे नाल जरूर सुनियो जे, फिर उस तो बाद आपां अगे गल करांगे कि आपां वी जदों गुरु घरे जाणा है तां अपने गुरु दे लई की भेटा लैके जानी है की सेवा करनी है। ता आओ साखी शुरू कर दे आ। ये साखी मेरे पंजवें पातशाह जी दे समय दी आ। कहिंदे पंजवें पातशाह जी दे दीवान सज्जे हन, पातशाह अपने बचना दे नाल कथा कीर्तन दे नाल संगतां नूं निहाल कर रहे ने। ते कहिंदे संगतां वी दूरों नेड़ियों चल के पातशाह दे दर्शन करन आ रहियां ने, दर्शन कर रहियां ने अते सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां दे विच अपनी कीती हुई किरत कमाई दे विचों दसवंध भेट कर रहियां ने। कुछ संगतां महंगीआं महंगीआं वस्तुआं लै के आईआं ने, महंगे महंगे तोहफे लै के आईआं ने, महंगे दुशाले लै के आईआं ने। कहिंदे सब ने लाइन बनाईआं अते लाइन दे विच दर्शन कर रहे ने। कहिंदे उसे ही लाइन दे विच इक गरीब जी सिख लगा है जिहड़ा पातशाह दे दर्शन करन दे लई आया है, पर कहिंदे हत्थ विच उहदे इक कौड़ी आ। घरों सोचिया सी कि इह कौड़ी सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां दे विच भेट कर देवांगा, पर कहिंदे जद उहने इत्थे आ के देखिया कि इत्थे तां इन्ने अमीर धनवान लोक ने अते इन्नियां महंगीआं चीज़ां पातशाह दे चरणां विच भेट कर रहे ने, ते कहिंदे इहने उह कौड़ी अपनी मुट्ठी दे विच घुट के बंद कर लई। जद वारी आई कहिंदे पातशाह दे रज के दर्शन किते अते अखां दे विच भर के पिछे जाके बैठ गया। मन दे विच सोचिया कि मना दीन दुनिया दे मालक दे चरणां विच तां इन्नियां महंगीआं चीजां भेट हो रहीआं ने, तेरी कौड़ी दा इत्थे की मुल, जे तू इह कौड़ी पातशाह दे चरणां दे विच रखेगा ते किते पातशाह दा नरादर ही ना हो जावे। अते दूजे पासे सोचिया तेरी कौड़ी देख के सारे तेरा मजाक उड़ाउणगे, ते कहिंदे इह सोच के सब तो पिछे जाके बैठ गया। कहिंदे सब ने दर्शन किते ते मेरे पंजवें पातशाह ने भाई गुरदास जी नूं कहा कि भाई गुरदास जी एक बार आवाज मार के पुछो कि कोई दर्शन करन तो कोई भेटा भेट करन तो रहता नहीं गया। कहिंदे भाई गुरदास जी हैरान हो गए क्योंकि अज तक सतगुरु सच्चे पातशाह ने कदे भी भेटा बारे गल नहीं सी कीती, पर अज पहला दिन सी, पर पातशाह दा हुक्म सी मनना सी। ते कहिंदे भाई गुरदास जी ने आवाज मारी पर सब ने दर्शन कर लए सी, कोई भी ना उठिया। इसे तरह पातशाह ने तीन बार भाई गुरदास जी नूं कहा, भाई गुरदास जी ने तीन बार पुछया, पर सारे ये देख के हैरान हो रहे सी कि असी तां सब ने दर्शन कर ले आ, सब ने आपो अपनियां भेटावां गुरु चरणां दे विच भेट कर दित्तियां ने, फिर पातशाह किहदी गल कर रहे होणगे। कहिंदे जद कोई भी ना उठिया तां सतगुरु सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक अंतरजामी पातशाह अपने तख्त तो उठ खड़े होए अते कहा कि लगदा सानू आप ही अपने प्यारे सिख तो
अपनी वो महंगी भेटा लेके आनी पैनी आ, उन्हें नहीं आना। कहिंदे एक कह के सतगुरु सच्चे पातशाह वो पिछे बैठे सिख दे कोल पहुंच गए, जेड़ा वो कौडी नूं मुट्ठी दे विच घुट के बैठा सी अते इह सोच रिहा सी कि गुरु चरणा दे विच इस कौडी दा की मुल आ। कहिंदे सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप मूहों मंग के उस तो एक कौडी लई अते कहा कि जेड़ी साडे वास्ते इन्नी महंगी इन्नी प्यारी भेटा लैके आया है ना, वह भेटा सानू दे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने ओदी ओ भेटा स्वीकार करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने समझाया कि भोलिया असी भेटा दी कीमत नहीं देखदे, असी तां भावना देखदे आ, अते तेरी भावना बड़ी उच्ची आ सुच्ची आ, जिहदे सामने ये महंगीआं वस्तुआं भेटावां कोई मुल नहीं आ। तां सतगुरु सच्चे पातशाह ने तां सानू आप समझाया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह दे घर दे विच महंगीआं वस्तुआं महंगीआं भेटावां नहीं बल्कि भावना चलदी आ। तां कदे वी मन दे विच इह नहीं सोचना कि गुरु घर दे विच तां लोक बहुत महंगीआं भेटावां भेट करदे ने पर मेरे कोल पैसे दी कमी आ, मैं उत्थे की लैके जावां। ते तां हुण जिवें कि आपां सारे जाणदे आ कि 12 नवंबर नूं बंदी छोड़ दिवस आ रहा है, बंदी छोड़ दिवस नूं मनाउण दीआं तैयारियां कई दिनां तों चलदीआं आ रहीआं ने। सब सिख संगतां होम हमा के सेवा कर रही ने, सब संगतां आपो अपने हिसाब दे नाल सेवा करके सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं खुशियां बरकतां लुट रही ने, प्राप्त कर रही ने। कई मेरे वीर अते भैणां ने कई महीनियां तों सहज पाठ आरंभ कीते ने, कईआं ने जपजी साहिब जी दे पाठ सुखमणी साहिब जी दे पाठ आरंभ कीते ने, भाव कि जिहदे कोल जिन्ना समां सी जिन्नी भावना उहदी उस हिसाब दे नाल गुरबाणी दा पाठ करके सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं खुशियां हासिल कर रहे ने। अते कई मनुख गुरु के लंगर लगा के सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं खुशियां बरकतां हासिल कर रहे ने, पर कईआं दे मन दे विच इह वी आ कि काश साडे कोल वी इन्ना धन हुंदा जां इन्ना अन्न हुंदा कि असी वी सतगुरु सच्चे पातशाह दी संगत दी सेवा कर सकदे, असी वी कोई महंगी चीज लैके जांदे जां फिर असी वी लंगर लगाउंदे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू की समझाया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह भेटा दी कीमत नहीं देखदे, तां इह आपां मालक दीआं दित्तीआं दातां दे विच्चों ही मालक दे चरणां दे विच चीजां भेट करदे आं, तां मालक दीआं दित्तीआं दातां दा शुकराना करन दे लई आपां इह भेटावां भेट करके आउने आं। अपनी भावना सच्ची सुच्ची होनी चाहीदी आ। सतगुरु सच्चे पातशाह अंदर दी भावना देखदे ने अते इह नहीं सोचना कि जदों मेरे कोल खुल्ला पैसा आवेगा मैं फिर इह सेवा करांगा फिर मैं लंगर लगावांगा, नहीं। जो भी अज साडे घर दे विच आ ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਫੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।